మరి బీసీఈ ముస్లిం సోదరులకు ఇచ్చినట్టు మిగతా బీసీలకు కూడా ఇవ్వాలి కదా సార్. ఆ ప్రభుత్వమైనా ఈ ప్రభుత్వమైనా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు గట్టిగానంటే మీకేం కావాలో లేదో బాయ్ హమాయ్ తుమారే సాత్ అని వీళ్ళు అన్నారు. అరే హంబియే తుమారే సాత్ అని వాళ్ళు అంటారు. మాకెవరు లేరా అధ్యక్ష సభలో, మా ఈ రాష్ట్రంలో మాకెవరు లేరా? వాళ్ళకు మాత్రం వీళ్ళు ఉండే గత ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళకు ఉన్నది. నేను చూస్తూ వస్తున్నా, నేను అంతకుముందు టీవీలలో చూస్తుంటే వీళ్ళ దగ్గర ఏ మంత్రం ఉన్నదో ఏమో, ఒక మాట మాట్లాడంటే తెలంగాణ రాజ్యే బన్నే కే బాద్ పైలీ బార్ తెలంగాణ విధానసభ సాడే 17 ఘంటో తక్ చలీ. रात देर गए 3:30 बजे रात तक जनहित के मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा होते रही. 10 वर्ष तक बीआरएस तेलंगाना में सत्ता में थी. बीआरएस की सत्ता 10 वर्ष तक थी. 17.5 घंटों तक विधानसभा नहीं चली. ये पहली बार तेलंगाना राज्य बनने के बाद 17.5 घंटों तक विधानसभा चली. तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में है, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है एवं AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवेसी ने तेलंगाना की विधानसभा में सबका साथ और सबके विकास का संकल्प लिए सभी वर्गों के हित में मुद्दों को उठाया. अकबरुद्दीन अवेसी ने सभी मुद्दों को विनम्रता के साथ उठाया. अकबरुद्दीन अवेसी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मुद्दों को बेहद ही गंभीरता से उठाते हुए तेलंगाना सरकार से मांग की है कि सभी वर्गों का ख्याल रखे और सभी वर्गों के कार्य तेज गति के साथ करवाए. अकबरुद्दीन अवेसी ने कहा, AIMIM पार्टी हर व्यक्ति की उन्नति चाहती है. AIMIM पार्टी विकास और प्रगति चाहती है. इसके लिए हम तेलंगाना सरकार का पूरा समर्थन करते हैं एवं तेलंगाना की विधानसभा में AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवेसी के नेतृत्व में AIMIM के सभी विधायक 10 बजे सवेरे प्रवेश किए थे. रात के 3:30 बजे तक विधानसभा चली. इसमें विनम्रता के साथ सभी मुद्दों पर AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन अवेसी के दिशा निर्देश पर चर्चा करते रहे. अकबरुद्दीन अवेसी ने कहा, हम विकास और प्रगति के लिए हर प्रयास कर रहे हैं और हम तेलंगाना सरकार का पूरा सहयोग करेंगे. अकबरुद्दीन अवेसी ने यह भी कहा, जब विकास और प्रगति तेज गति के साथ होंगी तो गरीबों का जीवन भी इससे बेहतर होगा. तेलंगाना की विधानसभा में जनहित के मुद्दों पर चर्चा शुरू हो रही थी. उस समय भाजपा के फ्लोर लीडर ने AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवेसी पर टीका टिप्पणी की, झूठ परोसा, नफरत की राजनीति की और उसके बाद भाजपा के सभी विधायक चले गए, इस चर्चा में शामिल भी नहीं हुए. भाजपा के लिए गए इस निर्णय से यह साफ हो चुका है, भाजपा विकास नहीं चाहती, भाजपा सिर्फ झूठ परोसती है. भाजपा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तेलंगाना की विधानसभा में अकबरुद्दीन अवेसी का नाम लिया, क्योंकि अकबरुद्दीन अवेसी भारत के लोकप्रिय नेताओं की सूची में इनका नाम आता है. इस प्रकार से ही ये प्रयास किया गया, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि अकबरुद्दीन अवेसी तो सब वर्गों का ख्याल रखते हैं, सभी वर्गों का मान और सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा द्वारा झूठ परोसा गया और भाजपा के विधायक चर्चा से ही चले गए. लेकिन इस चर्चा में AIMIM के विधायक अंतिम तक बैठे रहे एवं कहा कि ओल्ड सिटी को ओरिजिनल सिटी बनाने का रेवंत रेड्डी का जो संकल्प है इसको पूरा करें. एवं AIMIM के विधायकों ने कहा, हैदराबाद के पुराने शहर में तेज गति के साथ कार्य होने चाहिए. इस पर तेलंगाना सरकार के मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यही संकल्प है, ओल्ड सिटी को ओरिजिनल सिटी बनाना है. ये चर्चा जो 3:30 बजे रात तक चली, इस चर्चा में भाजपा को छोड़ के कांग्रेस, AIMIM, BRS, CPI चारों दलों के विधायक इस चर्चा में अंतिम तक शामिल रहे. ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की.
स्पीकर साहब, माय फ्लोरिडा अकबरुद्दीन अवैसी साहब हैज रेज्ड द दैट द जीएचएमसी इज नॉट गेटिंग इट्स ड्यू शेयर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स टुवर्ड्स नॉन प्लान एंड प्लान ग्रांट्स property tax on state properties, share of motor vehicle tax, VAT and other assigned revenues such as professional tax. The amount due to GHMC by the government is professional tax around 300 crores, property tax from government buildings 107 crores, funds from Patana Pragati 227 crores, mutation fee of 175.46 crores, transfers duty of 2,950 crores. Total amount payable to GHMC by government is 3,759.46 crores. हमारा यही है सब कि ये कब तक आप ये अमाउंट जो GHMC को ड्यू है, ये GHMC का जो शेयर है और उसकी जरूरत है, ये गवर्नमेंट कब तक ये पूरा अमाउंट GHMC को रिलीज करेगी, इसकी एक पर्टिकुलर डेट और टाइम? शुक्रिया सर. सर, यू नो आई वुड लाइक टू tell the honorable member, it's raised by his leader. Earlier in the budget, the presented by the deputy CM, this is the first ever time the 10,000 crore has been. It's not the first time. It's been there for the development of Hyderabad city, sir. Most probably, we will try to cover all the dues which has been settled. Then government has used the GHMC total funds for SNDP and SRDP, sir. We appreciate that. But at the same time, whatever the taxes which has to be, you know, are due in terms of GHMC, we will try to see the resources and put it back to GHMC.